हाय फ्रेंड्स, आज हम नीट 30 इयर्स के चैप्टर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि हमने 3 वीडियो इसके बना चुके हैं। क्वेश्चन 38 तक डिस्कस कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 39। ए राउंड डिस्क ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 अबाउट इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट द सेम एक्सिस, द फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्क इज। एक राउंड डिस्क है जिसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और वो अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर पे पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज प्लेस्ड ओवर अनदर डिस्क, और एक दूसरा है जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी I1 है, रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से वो भी रोटेट कर रहा है और सेम एक्सिस पे। तो यहाँ पे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी बताना है, कॉम्बिनेशन हो जा रहा है जब डिस्क का। तो क्वेश्चन 39 का ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा, I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2। ऐसे क्वेश्चन हमने 2 या 3 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये क्वेश्चन 3rd होगा शायद। तो देखते हैं, एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व्ड होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए एल इक्वल टू आई ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो I1 ओमेगा इक्वल टू I1 ओमेगा डैश प्लस I2 ओमेगा डैश, क्योंकि अब दोनों डिस्क क्या कर दिए गए हैं, जोड़ दिए गए हैं, तो इसलिए अब क्या होगा, फाइनल में क्या होगा, दोनों के क्या होंगे, I1 ओमेगा प्लस ओमेगा डैश प्लस I2 ओमेगा डैश। ओमेगा इनका सेम रहेगा क्योंकि अब दोनों साथ में जुड़ गए हैं, इसलिए I1 ओमेगा अपॉन I1 प्लस I2। क्वेश्चन 40। ए थिन सर्कुलर रिंग ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस स्मॉल r इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। 4 ऑब्जेक्ट ईच ऑफ मास M आर केप्ट जेंटली टू द अपोजिट एंड ऑफ 2 परपेंडिकुलर डायमीटर ऑफ द रिंग, और वो क्या है, परपेंडिकुलर पे डायमीटर पे रिंग पे वो जोड़ दिए गए हैं अब और अपोजिट एंड पे। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रिंग विल बी, तो अब क्या हो जाएगा उनका एंगुलर वेलोसिटी, तो उनका एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, एम ओमेगा अपॉन कैपिटल एम प्लस 4m, क्योंकि अब जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, ओमेगा तो उनका सेम रहेगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कंजर्व होता है। आपने सेम क्वेश्चन अभी लगाया इसके पीछे, तो सॉल्यूशन इसका, अप्लाई कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 ओमेगा 1 इक्वल टू I2 ओमेगा 2, I2 mr square plus 4 small m r square equal to capital M plus 4m r square, taking omega 1 equal to omega and omega 2 equal to omega 1, to mr square omega equal to m plus 4m r square omega 1 equal to capital M omega upon capital M plus 4m. Question 41. A disk is rotating with angular velocity omega if a child sits on it, what is conserved? एक डिस्क है जो कि रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, और इफ यदि ए चाइल्ड सिट ऑन इट, उस पर बैठ जाए, तो व्हाट इज कंजर्व्ड, तो क्या कंजर्व्ड होगा, एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व्ड होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज जीरो, एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पे क्या है, जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। External torque is zero because the weight of child acts downward. उसका weight क्या है? Downward है. तो L equal to I omega equal to constant. Question 42. A body suddenly comes and sit on a circular rotating table. एक body है कि जो suddenly अचानक comes आ रहा है and sit on a circular rotating table, जो कि table पे एक circular rotating है और उसपे आके वो बैठ जा रहा है. तो what will remain conserved? तो क्या conserved रहेगा? एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 42 का बी, एज नेट टॉर्क अप्लाइड इज जीरो, हेंस टॉर्क इक्वल टू डीएल अपॉन डीटी, तो डीएल अपॉन डीटी इक्वल टू जीरो, एल इक्वल टू कांस्टेंट, एल एंगुलर मोमेंटम रिमेंस कंजर्व्ड। क्वेश्चन 43, ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 1000 न्यूटन मीटर turns a wheel of moment of inertia 200 kg meter square about an axis through its centers. Its angular velocity after 3 seconds is, तो इसका angular velocity क्या होगा 3 second बाद.
तो टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, और ओमेगा, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, और आई इक्वल टू क्या होता है, टॉर्क अपन आई, तो यहाँ से टॉर्क अपन आई करेंगे और उसे हम अल्फा यहाँ से पता करेंगे तो हमें ओमेगा भी पता चलेगा, तो इसे सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी इज करेक्ट, 15 रेडियन पर सेकेंड। टॉर्क इक्वल टू 1000 न्यूटन मीटर, आई इक्वल टू 200 केजी मीटर स्क्वायर, आई अल्फा इक्वल टू क्या है, 1000 है, क्योंकि टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 1000/200 इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, इनिशियली वो क्या था, रेस्ट पे था तो जीरो, ओमेगा इक्वल टू अल्फा टी, और अल्फा जी पता चल गया हमें जो कि 5 है, और टाइम दिया है 3 सेकेंड बाद पूछा है, तो 15 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन 44, ए वेटलेस लेडर 20 फीट लॉन्ग, एक वेटलेस लेडर है जो कि 20 फीट लॉन्ग है, रेस्ट पे है अगेंस्ट अ फ्रिक्शनलेस वॉल एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और वो रेस्ट पे है और अगेंस्ट अ फ्रिक्शनलेस वॉल है जो फ्रिक्शन वहां पर नहीं लगता, एट एन एंगल 60 डिग्री पर रखा है, फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से ए 150 pound man is 5 feet from the top of the ladder. A horizontal force is needed to keep it from slipping. उसे कितना फोर्स की जरूरत होगी कि वो स्लिपिंग करे? Choose the correct magnitude of the force from the following. तो यहाँ पे करेक्ट चूज करना है कि क्या करेक्ट होगा यहाँ पे, और फिर इसे सॉल्व करें, इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 44 का ऑप्शन डी, ए बी इज द लेडर, ए बी क्या है, लेडर है, लेट एफ बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स, और लेट मानते हैं कि एफ बी द हॉरिजॉन्टल फोर्स उस पे लग रहा है, एंड वेट इज द डब्ल्यू इज द वेट ऑफ मैन, और डब्ल्यू क्या है उसका, वेट है, लेट एन वन एंड एन टू बी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड, एन वन और एन टू जो है वो नॉर्मल रिएक्शन है ऑफ ग्राउंड एंड वॉल के बीच में रिस्पेक्टफुली, एन वन जो है वो ग्राउंड और वॉल के बीच, ग्राउंड के बीच में है, ग्राउंड का है, और एन टू जो है वो वॉल का है, तो देन फॉर वर्टिकल इक्विबिलियम डब्ल्यू इक्वल टू एन वन, और डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे एन वन लग रहा है और वो एन टू लग रहा है, तो एन वन जो है वो इक्वल टू क्या है, डब्ल्यू के, और एन टू जो है वो इक्वल है किसके, एफ के, फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विबिलियम के लिए एन टू इक्वल टू एफ, जब ये इक्वल होगा तभी तो वो नहीं चल रहा है, वो रेस्ट पे है, अगर ये इक्वल ना होता तो उस पर कहीं तो फोर्स फिर उस पर लग जाता एक्स्ट्रा और वो चलने लगता, तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, इक्वल है एक दूसरे के, तभी तो वहां पे वो रुका हुआ है, रेस्ट पे है, तो टेकिंग मूवमेंट्स अबाउट ए पर जो मूवमेंट हो रहा है तो उसके लिए एन टू ए बी साइन 60, एन टू का हम लेंगे इस पे कंपोनेंट लेंगे, और कंपोनेंट लेने पे क्या बनेगा, ए बी साइन 60, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, तो इसलिए ये ए बी साइन 60 बनेगा, और माइनस डब्ल्यू ए सी, ए सी जो बनेगा वो कॉस 60 डिग्री बनेगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए सी, ए सी, ए सी जो बना है वो कॉस बन रहा है, तो इसका भी कंपोनेंट लेंगे तो वो बनेगा कॉस 60 डिग्री, और ये किसके लिए देख रहे हैं, टेकिंग मूवमेंट अबाउट ए, ए के लिए ये देख रहे हैं, ए पर देख रहे हैं, इक्वल टू ये क्या होगा, जीरो, क्योंकि मूवमेंट नहीं करा तो क्या होगा, इक्वल टू जीरो, तो यूजिंग टू, टू को यूज करेंगे तो एन टू इक्वल टू क्या होता है, एफ, एंड ए बी इक्वल टू 20 फीट, ए बी क्या है 20 फीट है, और बी सी क्या है 4 फीट है, तो वी गेट जो कि हमें प्राप्त है, हम प्राप्त करते हैं यहाँ से एफ 20 × √3/2, एफ एन टू की जगह क्या रखेंगे, एफ रखेंगे, और ए बी जो हमें पता है वो 20 फीट है वो रखेंगे, इंटू √3/2 करेंगे, क्योंकि साइन 60 डिग्री क्या होता है, 3√3/2 होता है, और माइनस डब्ल्यू करेंगे 16 × 1/2, क्योंकि ये टोटल क्या है 20 है, और हमें ए सी पता करना है, और सी बी सी क्या है 40 फीट है, तो क्या करेंगे 20 − 4 कर देंगे, वहां से हमें क्या पता चलेगा, वहां से हमें ए सी पता चलेगा जो कि 16 है, इंटू 1/2 करेंगे, क्योंकि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, और इक्वल टू क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे, और सॉल्व करने पे एफ इक्वल टू आ जाएगा 8W × 2/20√3 इक्वल टू 4W/5√3, और डब्ल्यू का वेट जो है उसका दिया है 150 pound में इंटू 4/5√3 40 × √3 इक्वल टू √3 का वैल्यू होता है 1.73, तो सॉल्व करेंगे 69.2।
क्वेश्चन 44 का ऑप्शन डी इज करेक्ट 69.2। क्वेश्चन 45, ए कपल प्रोड्यूसेस, एक कपल जो होते हैं वो प्रोड्यूसेस करते हैं प्योरली रोटेशनल मोशन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन सी, ए कपल इज फॉर्म्ड ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, कपल जो होते हैं वो फॉर्म करते हैं बनाते हैं दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस एंड एट सम सेपरेशन सो नेट फोर्स इज जीरो, वहां नेट फोर्स क्या होता है, जीरो होता है क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। Hence, a couple does not produce translatory motion. और जो कपल होता है वो प्रोड्यूस नहीं करता ट्रांसलेटरी मोशन, बट इट causes चेंज इन रोटेशनल मोशन, लेकिन ये कारण होता है रोटेशनल मोशन के चेंज होने का। क्वेश्चन 45 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन 46, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी विथ मास स्मॉल m, मोमेंट ऑफ इनर्सिया i एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा रेडियम पर सेकेंड इज इक्वल टू, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू होता है आई ओमेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन ए, लेट बॉडी कंटेन m1 m2 m3 mn मासेस एट डिस्टेंस r1 r2 r3 rn फ्रॉम एक्सिस oa, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी m1 v1 r1 प्लस m2 v2 r2 प्लस mn vn rn, m1 v1 की जगह क्या रखेंगे ओमेगा r1 प्लस m2 V2 की जगह क्या रखेंगे ओमेगा R2 इंटू R2 प्लस MN VN की जगह ओमेगा RN, तो M1 R1 स्क्वायर ओमेगा प्लस M2 R2 स्क्वायर ओमेगा प्लस MN RN स्क्वायर ओमेगा। तो M1 और M1 R1 स्क्वायर MR स्क्वायर क्या होता है I हो जाता है, तो यहां से N I इक्वल टू Z MI RI स्क्वायर ओमेगा इक्वल टू क्या होगा I ओमेगा। क्वेश्चन 46 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 47, एंगुलर मोमेंटम इज क्या होता है वेक्टर एक्सियल, ऑप्शन ए इज करेक्ट, एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर एक्सियल, वो क्या होता है वेक्टर एक्सियल होता है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर एल इज डिफाइंड एज वेक्टर एल इक्वल टू वेक्टर आर इन क्रॉस एम वेक्टर बी, ये क्या होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, सो वेक्टर एल इज एन एक्सियल वेक्टर। तो आज इतना ही करते हैं, आगे क्वेश्चंस अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, एंड प्लीज कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब माय दिस चैनल और प्लीज वीडियो को ऑनलाइन देखिए।